दोस्तों आज की इस वीडियो में मोबाइल को कैसे कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल को भी कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि जिस तरह से कंप्यूटर में विंडो को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन किया हो करना हो या पेंट ऑन करना हो या पेंट पे काम करना हो, नोट पैड ऑन करना हो, या फिर कंप्यूटर में जैसे क्रोम यूज करते हैं सेम टू सेम वैसे ही मोबाइल में विंडो को इंस्टॉल करके उसमें नोटपैड, वर्डपैड और क्रोम को कैसे यूज करेंगे उसी के बारे में आज की इस वीडियो में समझेंगे। यानी कि अपने मोबाइल को हूबहू कंप्यूटर की तरह बना सकते हैं और कंप्यूटर की तरह उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल को अगर कंप्यूटर की तरह यूज करना है तो उसके लिए कीबोर्ड और माउस तो चाहिए ही होता है। जैसे कि हमारे पास वायर वाला कीबोर्ड और माउस है, और इसके अलावा वायरलेस भी ले सकते हैं, लेकिन वायरलेस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, और वायर वाला कीबोर्ड माउस लेते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। यानी कि ये कीबोर्ड माउस मिलाकर लगभग 300-400 के रेंज में मिल जाएगा। वहीं पे वायरलेस अगर कीबोर्ड माउस लेते हैं तो वो लगभग आपको 700-800 के रेंज में मिल जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए पहले OTG की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास पुरानी वाली मोबाइल है, अगर ये वाला पिन यानी कि माइक्रो USB यूज होता है तो ये पिन यूज कर सकते हैं, और अगर टाइप सी वाला है तो ये यूज कर सकते हैं, ये दोनों USB आता है। या फिर यदि आपके पास टाइप सी वाला मोबाइल है तो आप सिंगल ये टाइप सी वाला OTG ले सकते हैं। दोस्तों अगर OTG से वायर वाला कीबोर्ड माउस जोड़ते हैं तो या तो सिर्फ आप माउस जोड़ सकते हैं या फिर कीबोर्ड जोड़ सकते हैं। इसके लिए एक USB हब की जरूरत पड़ेगी, उसको OTG में प्लग करेंगे और इस हब में दोनों कीबोर्ड और माउस को यहाँ पे प्लग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से प्लग करने के बाद ये जो OTG है, इस OTG को अपने मोबाइल में प्लग करेंगे। उसके बाद अगर माउस को यूज करना है तो यहाँ पे एक माउस पैड की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इस माउस को यूज कर पाएंगे। यदि मोबाइल को कंप्यूटर की तरह यूज करना है तो उसके लिए मोबाइल को स्टैंड करने के लिए एक मोबाइल स्टैंड चाहिए, जो कि इस तरह से एक नॉर्मल स्टैंड ले लेंगे। आप इसमें बहुत सारा मॉडल आता है, कोई भी आप मॉडल ले सकते हैं जिससे कि आप मोबाइल को स्टैंड कर सके। तो चलिए अब मोबाइल की तरफ चलते हैं, मोबाइल में विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाते हैं। किसी भी एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाएंगे और टाइप करेंगे Win7 सिमुलेटर, तो इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों जब ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो पहले क्या करेंगे कि ये जो हमने हब दिखाया है OTG के साथ, ये OTG यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं जैसे प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये BIOS ऑप्शन ओपन होने लगा। जिस तरह से विंडो 7 स्टार्ट होता है वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग विंडो लिख रहा है, वैसे भी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे गेस्ट दिया हुआ है तो इस पे जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है, और सेम टू सेम वैसे ही इसमें साउंड भी आ रहा है। तो चलिए इसको पहले स्टैंड पे रखते हैं, स्टैंड पे रखने के बाद इसे बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो 7 के तरह ही यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है, यहाँ पे रिसाइकल बिन और माई कंप्यूटर दिख रहा है। वैसे तो जो भी कार्य करना है या जो भी फोल्डर फाइल ओपन करना है तो आप टच करके भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे क्लोज वगैरह जो कुछ भी करना है यहाँ से टच करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम माउस कीबोर्ड का यूज करेंगे क्योंकि हमें कंप्यूटर की तरह यूज करना है। तो ये माउस है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे माउस जैसे ही हम यूज कर रहे हैं वो सारा रिफ्रेश वगैरह जो कुछ भी करना है यहाँ पे माउस यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन का भी यूज करके देख सकते हैं। तो पहले हम माई कंप्यूटर में देख लेते हैं, जो यहाँ पे कंप्यूटर दिखा रहा है इस पर डबल क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद जैसे कि आपके कंप्यूटर में CD ड्राइव है वैसे ही यहाँ पे सिर्फ एक सी ड्राइव दिखेगा। इसका मेमोरी यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें हमने कुछ रखा नहीं है तो इसलिए ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम लोग के कंप्यूटर में डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड वगैरह शो करता है, वो सारी फाइलें यहाँ पे शो कर रहा है, तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे शो हो रहा है। इसको अब यहाँ से क्लोज करेंगे। अब चलिए आपको सॉफ्टवेयर दिखा देते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले क्रोम दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया है, पेंट दिया है, कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, यहाँ पे कैमरा, CD, कमांड प्रॉम्प्ट, ये सारी चीजें दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में रहता है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, कंप्यूटर। यहाँ पे कंट्रोल पैनल को भी ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी वैसा ही दिखा रहा है जैसे कि डेट एंड टाइम, माउस का सेटिंग करना, विंडो को अपडेट करना, पावर ऑप्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। कोई भी अगर प्रोग्राम को डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे जो भी इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी इंस्टॉल दिखा
दिखा रहा है, अगर यहाँ से अनइंस्टॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में जो ऐप है इंस्टॉल है वो सारा चीज़ें अनइंस्टॉल होगा। तो यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जितने भी आपके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को ओपन करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम आपको दिखा देते हैं कैलकुलेटर का। तो इससे कैलकुलेटर जैसे आप विंडोज 7 में यूज़ करते थे वैसे ही सेम यहाँ पे भी जो भी कैलकुलेटर है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके कहीं पर भी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर क्रोम यूज करना चाहते हैं तो जैसे कंप्यूटर में क्रोम ओपन होता है वैसे यहाँ पे भी ओपन होगा। यहाँ पे नीचे कीबोर्ड ओपन हो जा रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसको मैक्सिमाइज करके जो कुछ भी यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड से डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वो डायरेक्ट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज या जो कुछ भी आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे हमारा ये चैनल है, चैनल को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर की तरह है ये हमारा चैनल भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रोम को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नोटपैड है। नोटपैड को भी आप जैसे कंप्यूटर में यूज करते हैं वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो कुछ भी वर्ड लिखना है यहाँ पे लिख कर, अगर इसका डिजाइन वगैरह या फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो कुछ फॉन्ट की साइज चेंज करना है तो यहाँ से साइज चेंज कर लेंगे, या फिर यहाँ पे जो भी डिजाइन वगैरह चेंज करना है वो डिजाइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर में जैसे नोटपैड यूज करते हैं सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी यूज होगा। और इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, अन्यथा इसे डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे। चलिए इसको पेंट को ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे विंडोज 7 में पेंट यूज होता था सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जो कुछ भी यहाँ पे डिजाइन वगैरह सेलेक्ट करते हैं, जो कुछ भी इसमें कलर फिल करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई कलर ले लिए, यहाँ पे फिल करते हैं, सब कुछ सेम टू सेम विंडोज़ की तरह ही होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, जैसे कंप्यूटर में हम रन यूज़ करते हैं यहाँ पे रन का भी वैसे सेम टू सेम ओपन होगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे वर्ड पैड दिया हुआ है, वर्ड पैड को भी सेम टू सेम वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे कि आप कंप्यूटर में यूज करते हैं। जैसे कि अगर इसमें चाहते हैं कि अगर फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट के स्टाइल और फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह चेंज करना है तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जो कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है वो साइज यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से साइज़ जो भी लेना है साइज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी अगर टाइप करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड के जरिए वर्ड पैड में आप जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के पास अगर कंप्यूटर नहीं होता है, अगर वो टाइपिंग का टेस्ट देना चाहते हैं या टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। तो इसी तरह मोबाइल में भी कंप्यूटर सीख सकते हैं और कंप्यूटर की तरह ही टाइपिंग का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो कुछ भी यूज होने वाले यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।